इस वक्त हम लोग ITO के ब्रिज पे हैं जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने है और ईस्ट दिल्ली से ये पुल जोड़ता है। आप देखिए कि ये जो पुल है इसके नीचे बराज बैठे सब बैठे लोहे के गेट हैं और ये हरियाणा सरकार द्वारा संचालित है। तो आप देखिए उस तरफ तो पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है क्योंकि उस तरफ जो गेट्स हैं वो खुले हुए हैं, मगर इस तरफ के जो पांच गेट हैं आप देखिए यहाँ से पानी नहीं बह रहा है क्योंकि यहाँ के गेट्स जैम हैं। और यही कारण है कि बहुत सारा पानी जो वज़ीराबाद से आ रहा है वो यहाँ ITO से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो पांच गेट जैम हैं इनको खोलने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए हैं क्योंकि इन गेट्स के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सिल्ट जमा हो गई है। तो सिल्ट को निकालने के लिए हमने अभी कंप्रेसर मंगवाया है जो हमारे कोंडली प्लांट पे है और एक बार वो सिल्ट हटा ली जाएगी तो फिर इन गेट्स को पुल करने की कोशिश करेंगे कि हमें गेट खुले, और अगर फिर भी नहीं खुले तो हम इनको गैस कटर से इन गेट्स को काटेंगे ताकि ये गेट्स खुल जाएं तो फिर जो पानी है और ज़्यादा गति से जो है दिल्ली से बाहर निकल पाएगा और दिल्ली में जो है इसका जो है काफ़ी जो है इससे फ़ायदा मिलेगा।